जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स, हाय, मेरा नाम रोजी है। मैं आज आपको इस वीडियो में अल्कोहल प्रोसीजर के बारे में बताना चाहती हूँ। अल्कोहल आप कितना लेके जा सकते हैं, अल्कोहल कितना अलाउड है, अल्कोहल आप चेक इन या हैंड बैगेज में किस बैगेज में लेके जा सकते हैं, इस वीडियो में आपको सब कुछ बताना चाहूंगी। आपको मैं ये बताना चाहती हूँ, अल्कोहल अभी जब भी आप चेक इन या हैंड बैगेज में लेके जा सकते हैं, उसका अलग अलग प्रोसीजर होता है। इंटरनेशनल के लिए अलग रूल है, डोमेस्टिक के लिए अलग रूल है। आज मैं इस वीडियो में आपको डोमेस्टिक के बारे में बताना चाहती हूँ। देखिए, आप बाहर से कभी भी लिकर खरीद के लेके आते हैं, आप चेक इन बैगेज में 5 लीटर तक लेके जा सकते हैं। अगर आपका बॉटल का क्वांटिटी 750 ml है तो आप 6 बॉटल्स लेके जा सकते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हाँ बॉटल 5 ही है तो 5 ही अलाउड है, ऐसे सोच के हम 5 बॉटल रख लेते हैं तो हमारा थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ, आप अगर कभी भी चेक इन बैगेज में लिकर बॉटल लेके जाते हैं, प्लीज आप उसको अच्छे से पैक करें, अच्छे से रैप करें और अपने बैग में फिट करें। क्योंकि आप अगर जब भी लिकर बॉटल लेके जाते हैं, एयरलाइंस उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। आपका बॉटल अगर टूटता है, एयरलाइंस आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा या एक्स्ट्रा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नहीं देता है। आप 5 लीटर हैंड चेक इन बैगेज में ले जा सकते हैं। अभी जैसे दिल्ली है, बॉम्बे है, अभी बैंगलोर में मेरे को नहीं पता है नहीं है, आप से SHA क्लियर करते हैं। आपको SHA क्या होता है, सिक्योरिटी होल्ड एरिया। आप जिससे सिक्योरिटी होल्ड एरिया क्लियर करते हैं, इमीडिएटली आपको लिकर के शॉप्स भी है, लिकर शॉप से आप वहां से हैंड में भी 2 लीटर लेके जा सकते हैं। आपको हैंड में 2 लीटर लेके जा सकते हैं, बट आपको सील्ड बैग में देंगे, आप वो ऑनबोर्ड ओपन नहीं कर सकते हैं। आप अगर ऑनबोर्ड फ्लाइट में लिकर पीते हुए पकड़े गए या फिर डोमेस्टिक में आप लिकर ओपन करके पीते हुए कैबिन क्रू ने आपको देख लिया तो आपके ऊपर एक्शन हो सकता है, आपको सिक्योरिटी को हैंडओवर हो सकता है, आपको बहुत सारे रेगुलेशन तोड़ने का चार्जेस भी लग सकता है। इसीलिए आप डोमेस्टिक में कभी भी लेके जाते हैं, प्लीज उस बैग को ना खोलें, आप अपने बैग में प्रॉपर पैक करके रख दीजिए। अभी टोटल आपको कितना अलाउड है, चेक इन बैगेज में आप 5 लीटर लेके जा सकते हैं एंड हैंड बैगेज में 2 लीटर। अगर SHA के बाद आप अगर क्रॉस करते हैं, आपको लिकर शॉप दिखता है, वहां से भी आप 2 लीटर लेके जा सकते हैं। टोटल आपको 7 लीटर अलाउड होता है पर पर्सन। आपको मैं एक इंसान का बता रही हूँ, पर पर्सन आप 7 लीटर लेके जा सकते हैं। देखिए, आप अगर अभी गोवा गए हैं वेकेशन वगैरह मनाने, आपको मन करता है चलो गोवा से भी हम बहुत सस्ता अल्कोहल मिलता है, हम वहां से भी लेके जा सकते हैं। देखिए, आप एयरक्राफ्ट में जब भी आप गोवा से लिकर्स लेके आ सकते हैं, लिकर अलाउड होता है उसकी वॉल्यूम, उसकी क्वांटिटी के ऊपर, उसका जो अल्कोहल का परसेंटेज रहता है उस हिसाब से आपको लिकर अलाउड होता है फ्लाइट पे। आप अभी देखिए, बियर में बहुत कम परसेंटेज रहता है, तो फिर आपको बियर आप जितना चाहे ले सकते हैं। आप अगर 15 kg का आपको चेक इन बैगेज अलाउड है, आप 15 kg का चेक इन में बियर लेके जा सकते हैं। एंड अगेन मैं आपको ये बताना चाहूंगी, ये टूटा फूटा कुछ भी हुआ तो एयरलाइंस इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं ले सकती है, बिल्कुल भी लेगी भी नहीं। आजकल तो कुछ एयरलाइंस में फ्रजाइल स्टिकर्स भी बंद हो चुके हैं, दे ट्रीट एवरी बैग इन इक्वल थिंग, दे से सारे बैग हमारे लिए इक्वल है, तो हमारे में फ्रजाइल और नॉन फ्रजाइल कुछ भी नहीं होता है। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड साइन, मेरे पास एक छोटी सी बेबी है, उसके चक्कर में बहुत सारा साउंड आ रहा होगा, सॉरी फॉर दिस। अभी देखिए, ये सब है प्रोसीजर अल्कोहल को लेके। आप अगर अल्कोहल कभी भी परचेज करना चाहते हैं दिल्ली में से या फिर कोई अदर स्टेट में से जहाँ पे कॉस्ट कम होता है, तो आप 5 लीटर चेक इन बैग में, 2 लीटर हैंड बैगेज में लेके जा सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपको एविएशन के बारे में, कैरी ऑन बैगेज, चेक इन बैगेज, क्या अलाउड है, क्या लेके जा सकते हैं, क्या नहीं अलाउड है, मैं आपको सब
कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के थ्रू दे सकती हूँ। आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए कि आप बहुत सारे लोगों के पास पहुंच सके। देखिए आजकल ऐसा है कि बहुत सारा न्यू लोग फ्लाई करने लगे, बिकॉज द कनेक्शन हैज सो ब्रॉड, लोग के हर स्टेट में, हर जगह में एयरलाइंस, एयरक्राफ्ट जाने लगे हैं। सब लोग आजकल प्रेफर कर रहे हैं, एक तो कॉस्ट बहुत सस्ता हो गया, दूसरी कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा हो गई, स्पेशली इंडिगो। मैं इंडिगो में ही एयर होस्टेस हूँ, तो इंडिगो के बारे में मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। इंडिगो इज लाइक कनेक्टिंग एवरीवेयर इन इंडिया, उनको यही मोटो है कि पूरे इंडिया में वो पूरी जगह ऑपरेट करे, दैट इज देयर टारगेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।